दो इश्यूज हैं मेरे पास। एक तो ये हैदरपोरा का जो इंसिडेंट हुआ, जो दर्द पूरे कौम ने महसूस की है, मुझे अच्छा लगा कि पहली बार हम सब एक होकर हमने एक आवाज़ उठाई है जो बेइंसाफी कश्मीर में होती जा रही है, उसके लिए एक नंबर वन। नंबर टू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रोज़ हम रोते हैं, रोज़ हमें तकलीफ़ पहुँचती है, रोज़ ऐसे सानिया होते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करूँगा, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो उन्होंने कहा था दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी, अगर वो वाकई वो दिल से कहते हैं तो वो आ जाएं, हमारा दर्द बांटें। और इनको तो हम वापस ला नहीं सकते हैं, अभी भी एक डेड बॉडी एक जवान की उनके घर वालों के सुपुर्द नहीं की गई है। मतलब इंसानियत की बुनियाद पे ही सही, चले वो हमको पसंद नहीं करते, इंसानियत की बुनियाद पे ही सही। क्या अब हमें एक और इसके लिए आवाज़ उठानी है कि उस डेड बॉडी को भी अपने बाप अपने घर वालों के सुपुर्द के हवाले किया जाए? अब उस बच्चे का देख लीजिए जो बाबा बाबा कह रही थी, और उसको अपने बाबा को दो बार ब्यूरियल करना पड़ा। मुझे बताइए दुनिया की तारीख में और इस 21st सेंचुरी में आजकल ये कहाँ पे है कि कश्मीरियों की डिमांड अब ये हो गई है हमें डेड बॉडीज लौटा दीजिए। इसलिए मेहरबानी करके अगर प्राइम मिनिस्टर जो वो दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी वाकई दिल से कहते हैं तो हमें भरोसा दिलाएं, इन बच्चों को भरोसा दिलाएं जिनका ये बाबा छीना गया, उनको भरोसा दिलाएं कि ये वाका जो है ये वाका दोबारा कश्मीर की सरजमीन पे कभी नहीं होगा। कल आपने देख लिया प्राइम मिनिस्टर ने किसानों की जो एजिटेशन 15 महीने से चल रही थी, उस जो लॉज पार्लियामेंट में बने थे, हमको कहते हैं कि जो लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं वो आखिरी लॉज होते हैं, मैं 5 अगस्त के लॉज की बात कर रहा हूँ। और कल जो जीता है ये कोई पार्टी नहीं जीती है, मेरे हिसाब में जमहूरियत जीती है। जमहूरियत की बुनियाद लोगों की आवाज़ है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जैसे कल आपने वो कवानीन मनसूख किए, इसी तरह आप वो कवानीन जिससे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के आईनी हुकूक छीने गए वो भी आप मुस्तरद करेंगे, और हमको भी आप जीने की एक